हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं सिद्धू। तो बॉलीवुड के तरफ से युद्र करके ट्रेलर आया है, जिसके अंदर है सिद्धांत चुत्या, क्या है, क्या चतुर्वेदी। हाँ मतलब चुत्या तो बनाया है इसने इंडस्ट्री को। मतलब एक दिन टपरी पे बैठा था, चाय नाश्ता करते बमा क्या बोलता है ये सीधा छपरी, हाँ सीधा उसको गली बॉय में ले लिया। फिर उसके बाद एक ही काम उसने हर फिल्मों में किया। उसको पूछा और क्या आता था, बोलता ठोकना पिटना, तो बोला चल आजा गहराइयां भी कर ले तू उसमें भी। डूबे डूबे तब से एक ही काम करता है, तो देखते इस बार नया करेगा। और दूसरा क्या है ये राघव जुवेल, ये मकड़ी भी केकड़ा हो गया इसका कील देखा मैं, मस्त था। और बंगाली इंडस्ट्री से आया प्रधान करके टीजर आया, मस्त देखते हैं, आओ देखते आओ। आप मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो सीख लिया, लेकिन कभी चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। काफी गर्म दिनों में मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। बोला कि मैं अभिमन्यु, मैं उसका बाप हूँ और जो युद्रा has got a serious anger issue. बिल्कुल अपने बाप पर गया। किरिश बिल्कुल तुम्हारी तरह था, पंगे लेने का शौक था उसे, थोड़ा किल जैसा गया ना, इसीलिए उसकी जान दे। उसके बाप की कहानी है। जज को बोलेंगे प्लीज कि मुझमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, शायद थोड़ी सजा कम ही कर दे। तो गांड पे बटका नहीं मारेगा? अब मेरे को बोलने के कसाई का काम अल्ले में बैठने का नहीं होता है, काटने का होता है। सिगरेट सुपर स्टार वाला देश का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है, जो काम तुम्हारे बाप ने शुरू किया खत्म तुम कर सकते हो। अभी अपना माल मेड इन चाइना हो गया, फिरोज उनसे 5,000 किलो कोकेन खरीद रहा है। वो हॉलीवुड लेवल चल रहा है। सफीक नहीं, हम उतर रहेंगे। एक बार मौका दीजिए। मैं क्या तो उसे आपके पास। सही सही सही। और मौका दो, और मौका दो। ये पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है, पर मौत को ये मंजूर नहीं। दोस्त है ना अपनी, एक बार पहले भी आई थी। हाई प्रेजेंटेशन है भाई। ये सब मस्त है इसमें। कौन है बे, क्या चाहता है? जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। ये बहुत सही डायलॉग था। सही है सही है। वो थोड़ा वो राघव को थोड़ा और देना चाहिए था ना स्क्रीन टाइम, क्या लगता है? दोनों यार अलग अलग अच्छा अच्छा रोल कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा दोनों। हाँ हाँ बराबर, सर ने बोला तो अच्छा ही है। बाकी तो मुझे लगता है राघव का अपना फिल्म के अंदर ही रहेगा, शायद कुछ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा, ताकि डायरेक्टर अभी रिवील ना करता हो। ट्रेलर की बात करूँ तो फुल ऑफ एक्शन पैक्ड है, और सिद्धांत पे कैरेक्टर सूट कर रहा है, मतलब मजेदार लग रहा है। और अब बॉलीवुड को समझ में आ गया कि भाई कंटेंट परसो प्रमोशन नहीं करोगे तो भी झक मार के पब्लिक चले जाएगी पिक्चर देखने। हाँ यार, मुझे थोड़ा जेंटलमैन वाला वाइब दिया। ओ सिद्धार्थ वाला, कायरा का पति वाला। हाँ मैं वो तो गया, जैकलिन भी थी ना। हाँ और इसमें मालविका उसका बॉलीवुड में डेब्यू है, और सब करवा लिया उसे ताकि ये लास्ट फिल्म हो उसकी, मतलब फर्स्ट, इसके बाद भी काम करे। अभी देखा जाएगा भाई जब फिल्म आएगा, क्योंकि रिव्यू मायने रखता है, भले ट्रेलर तुम कितना भी अच्छा काट लो, लेकिन वाइब दे रहा है कि एकदम मजेदार तो होने वाला है। बंगाली इंडस्ट्री से खदान का भी टीजर आया है, देव हीरो है, तो देख लेते आओ। यूज योर हेडफोन। खदान बोल के बाकी को दिखा दिया। सरदारियो तो सीधा बात है, जैका सौप सोए वही सरदार होए। फैमिली लिए ব্যস্ত আছি বলে কি ভাবে চিস অ্যাকসেন্ট ভুলে গেছি। दूसरा नाम नहीं था वरना टीजर और बड़ा हो जाता। हमारी काज एक्शन भी।
आज ये जमीन खादान हवे या तो मेरा ना तो सोसान या तो शमशान। सही है, मस्त है भाई, मजा तो आया। ऐसा लग रहा है सीधा हॉलीवुड से भोजपुरी वुड, मजा आया मेरे को देख के। तो क्या बोलते हैं, मेरे को पुष्पा का वाइप आया स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत ट्रक विक लेके आते, सिगरेट गुलाड़ी। बाकी तो वो अपना गुंडे पिक्चर आया था ना, रणबीर सिंह का, वैसा वाला थोड़ा वाइप दिया। लेकिन बिना हेलोजन के पूरी फिल्म को शूट करना भी बहुत मुश्किल होता है, जो देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज, इसके प्रोड्यूसर जो है वो शायद, मुझे लगता है ये पिक्चर बनाने के लिए खुद खदान में काम कर रहे थे और बोलते कहीं दूसरी जगह क्यों जाना, यही शूट कर लेते पिक्चर। क्योंकि वीएफएक्स और सीजीआई जो थे ना, वो काफी ऐसा लग रहा था कि रूम में शूट किया गया है। बोका चौदह इसमें हीरोइन नहीं दिखी रहे। अबे मेरे को लगता है खदान में शूटिंग किया ना, तो किसी ने बोल दिया मैडम ये चारकोल है, तो लगा के बैठे रहेगी कोने में, शायद फ्रेम में नहीं दिखे रहेगी। बाकी देव भी दिखे मुझे। हाँ, इससे पहले वो बागा जेते ना करके आया था ना, बायोपिक था, अच्छा था वो, मैंने देखा था पूरा पिक्चर। वो मैं यार, ये पिक्चर तो दिसंबर में आ रही है, तो पुष्पा भी तो आ रही है। हाँ, तो पुष्पा को खतरा रहेगा ना। हाँ भाई, अल्लू अर्जुन को वापस से पोस्टपोन कर देना चाहिए, ऐसा चुते के लिए नहीं करने का भाई। तेलुगु वेलुगु तो क्या देखने रहे, खदान आ रहा है, खदान आ रहा है, खदान में डुबा देगा। तो गाइज, ओवरऑल दोनों ट्रेलर और टीजर की बात करूँ तो अपने अपने जगह पे ही रहो भाई, मतलब अच्छी थी दोनों। अब खदान जब फिल्म आएगा तो उसका रिव्यू 100% आएगा। बस तुम लोग अगर इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करोगे, मिलता है अगले वीडियो में।